अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 3.2, अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेकर। इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1, एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। For more videos, subscribe my YouTube channel, Ikra Academy. English workshop. Question number 1. Complete the following table. यहाँ पर question है इसके ऊपर बेटा। यहाँ utterance यानी बोलने वाला, who said and to whom, मतलब ये sentence है, किसने कहा और किससे कहा, who said, किसने और किससे कहा। यहाँ पर है, श्वेता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी, राइटर ने मीना से कहा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, व्हेन अ पोनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम, मीना ने राइटर से कहा। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, राइटर टू मीना, राइटर ने मीना से कहा। नो द सन इज टू हॉट, मीना सेड टू द राइटर। आई एम ए स्मॉल, आई एम ऑल एक्साइटेड, इट्स ए नाइस टू मीट आवर ओल्ड फ्रेंड्स, मीना सेड टू द राइटर। ठीक है, ये टेबल को मैंने इस तरह से बनाया था। अब आगे देखेंगे। अभी नंबर 2 क्वेश्चन देखो, स्टेट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, नीचे दिए गए सेंटेंस को क्या करना है हमको, जो करेक्ट है उसको टिक करना है, रॉन्ग को रॉन्ग करना है, और जो रॉन्ग सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है। जैसा कि देखो, अभी द ऑथर एंड मीना वेर रॉन्ग ग्रेट एनिमीज, करेक्ट सेंटेंस दे आर गुड फ्रेंड, मतलब सेंटेंस गलत था, हमने इसको क्या किया यहाँ पर, दे आर गुड फ्रेंड्स। ऑथर मीना वेर रॉन्ग ग्रेट एनिमीज, मतलब बहुत ही बड़े दुश्मन थे, गलत है, दे वेर गुड फ्रेंड्स थे। मीना वॉज वेरी चेयरफुल रॉन्ग पर्सन इनिशियली, मीना वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, आएगा इसका करेक्ट, वहाँ पर लिखा करेक्ट सेंटेंस बोलकर। मीना स्टे अलॉन्ग इन अ रॉन्ग अपार्टमेंट इन दिल्ली, करेक्ट सेंटेंस आएगा शी स्टेड अलॉन्ग इन अ अपार्टमेंट इन मुंबई। मीना वॉज सेकंड चाइल्ड ऑफ रॉन्ग हर पेरेंट्स, शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स आएगा। फिर उसके बाद द ऑथर स्पॉटेड मीना एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन, करेक्टेंस करेक्ट सेंटेंस है। द बिगर एंड यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, रॉन्ग सेंटेंस है ये, इसको हमने नीचे गलत किया है, बिकॉज देर वॉज नो ट्रैफिक। द सीन ऑफ द बिगर एंड द गर्ल मेड मीना पीप इन टू हर ओन लाइफ, करेक्ट, मतलब जो उसका सीन था मीना को क्या किया, बहुत ही अंदर से झिझोड़ दिया, सही बात है ये। द बेकर बिगम मीनाज रोल मॉडल, बिल्कुल सही, जो बेकर था वो मीना का क्या, रोल मॉडल बन गया। इट टुक मीना ऑलमोस्ट 2 ईयर्स टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट, करेक्ट, 2 साल में इसमें जिंदगी में क्या है, बहुत सारे चेंजेस आ गए। मीना वॉज अनएबल टू गिव गुरु दक्षिणा डायरेक्टली टू हर गुरु द बेकर, गलत है, उसने नहीं दिया जबकि वो मर चुका था। मीना गिव गुरु दक्षिणा इनडायरेक्टली बाय स्पॉन्सरिंग हिज ग्रैंड डॉटर टू द बोर्डिंग स्कूल, ये सही सेंटेंस है। अब नंबर 3 देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड री राइट द सेंटेंस, मतलब सही मुद्दा चुनकर इसको सेंटेंस को हमको दोबारा लिखना है।
जैसा कि देखो यहाँ पर है ए मीना हु इज एन एल आई सी ऑफिसर इज, यहाँ पर 1 2 3 है जो सही है उसको मैंने ग्रीन से लिखा है, अ पेसिमिस्टिक पर्सन ये आएंगे इसका। दूसरा बी का द राइटर वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर एली अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर बिकॉज, यहाँ पर 3 मुतबादिल है 1 2 3 शी वॉज वेटिंग फॉर अर मीना शी वॉज वेटिंग फॉर द रेन स्टॉप, ये सही है इसको हमने ग्रीन से लिखा है। उसके बाद सी है द ओनली थॉट इन द राइटर्स माइंड टिल दे रीच द ग्रैंड होटल वॉज वॉट हैड ब्राउट अबाउट सच चेंज इन मीना, मतलब राइटर के दिमाग में ये चीज़ थी कि मीना में ऐसी क्या चीज़ है जो इतना सारी चेंजेस लाई। डी मीना स्पॉन्सर्ड द ग्रैंड डॉटर ऑफ द बेकर बिकॉज इट वॉज टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू द बेकर, मतलब एक रिस्पेक्ट की शक्ल में या फिर गुरु दक्षिणा की शक्ल में उसको, ठीक है। उसका नंबर 4 क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द बेगर चेंज मीनाज एटीट्यूड, कंप्लीट द फॉलोइंग वे विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज की मदद से हमको क्या करना है, मदद से मीना की लाइफ में बेगर ने क्या चेंजेस लाए वो हमको लिखना है। यहाँ पर देखो बेगर्स एक्टिविटी डैट चेंज मीनाज एटीट्यूड, जो बेगर के सारी जो एक्टिविटी थी जो मीना का एटीट्यूड क्या उसने चेंज किया, तो आंसर इज डायरेक्टली गिवन, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया गया है। देखो बेगर्स एंड हिज ग्रैंड डॉटर्स एक्टिविटी डैट चेंज मीनाज एटीट्यूड, उस भिखारी और उसके भिखारी की जो पोतरी थी जो उनके उनके कामकाज था वो उनका रहने का तरीका दिखा कर मीना का एटीट्यूड चेंज करते हैं। दे वर प्लेइंग इन द रेन ऑन द रोड, वो क्या कर रहे थे बारिश में रोड पर खेल रहे थे। दो हंगरी दे वर लाफिंग एंड क्लैपिंग, हालांकि वो भूखे थे लेकिन वो हंस रहे थे और टालियां बजा रहे थे। दे वर कम्प्लीटली ड्रेंच बट टोटली हैप्पी, वो पूरी तरह से भीग चुके थे लेकिन वो बहुत टोटली यानी पूरी तरह से वो खुश थे। दे वेर स्क्रीमिंग जॉयसली, और वो खुशी से चिल्ला रहे थे। ये था 3.2 का इंग्लिश वर्कशॉप का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में रहेगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।